दोस्तों, ये एक टाइल है जो फर्श वाली टाइल भी हो सकती है और वॉल पे लगाने वाली टाइल भी हो सकती है। साथ में ये कुछ खाली मेडिसिन की बॉटल्स हैं, आप इन्हें ले लें। आपके पास जो अवेलेबल हैं वही ले लें, लेबल्स को साफ कर लें। दोस्तों, आप इसकी जगह MDF का बोर्ड भी ले सकते हैं या कोई चौकोर शीट हो प्लास्टिक का, वो भी ले सकते हैं। आइए हम शुरू करते हैं। वॉल पुट्टी ले लें दोस्तों। वॉल पुट्टी से हम डो बनाएंगे, केवल पानी डाल के। जितनी हमें ज़रूरत है उतनी ही डो बनाएंगे और इस डो को हम गीले कपड़े से ढक कर रखेंगे। इस तरह कॉइल बना लें और बॉटल के निचले हिस्से में लपेटें, फिर उंगलियों के सहारे उसे दबाएं। इस तरीके से आप दबाएं और फिर पानी की सहायता से एक शेप दें। अब थोड़ा थिक कॉइल बनाएं और उसे सेंटर में इस तरह लपेटें और पानी की सहायता से इसे भी स्मूथ कर लें। इसी तरह आप चारों जो आपके पास बॉटल्स हैं सब में इसी तरीके से आप कर लें और इसे सूखने के लिए रख दें। जब वो सूख जाए तब फिर आप ढक्कन पे भी ऐसे ही कवर करें। दोस्तों, अब टाइल्स को पलट लें और किनारे पे बॉर्डर बनाएं। वॉल पुट्टी के डो से आप बॉर्डर बनाएं, केवल पानी की सहायता से चिपकाएं और जब एक बार सूख जाए तब फिर आप इसमें इस तरह से डेकोरेशन करें। दोस्तों, ये डेकोरेशन आप अपने पसंद के हिसाब से कर सकते हैं। मैंने इस तरीके से किया है, आप चाहें तो अपनी पसंद का डिज़ाइन बना सकते हैं। दोस्तों, अब वॉल पुट्टी से मैंने छोटे छोटे पर्ल्स बना लिए हैं। अब इस तरह मैं चिपकाऊंगा। ये देखिए चिपक गए हैं। ये वॉल पुट्टी के घोल से आप चिपका लें और सूखने दें। सूखने के बाद ये हार्ड हो जाएंगे और ये नहीं निकलेंगे। दोस्तों, जब वॉल पुट्टी से काम कर रहे होते हैं तो जितनी ज़रूरत है उसी के हिसाब से हम डो तैयार करते हैं। दोस्तों, टाइल्स के सामने वाले हिस्से में इस तरीके से बॉर्डर बना लें। अब मार्बल पाउडर और फेविकोल के पेस्ट से आप कुछ डिटेलिंग करें। जो आपने शीशी को शेप दिया था, ये एक्चुअली चौकी के ये पाए हमने बनाए हैं, तो इस तरीके से आप डिटेलिंग कर लें। दोस्तों, टाइल के फ्रंट में भी मार्बल पाउडर और फेविकोल के पेस्ट से कोन बनाकर आप डिटेलिंग कर लें। ये डिटेलिंग हो गई है और सूख भी गया है, तो अब कलर करने की तैयारी। मुझे एंटिक लुक देना है तो ब्लैक कलर से कलर कर लें। ये एक्रेलिक कलर है दोस्तों। चौकी के पाये में भी ब्लैक कलर कर लें और सूखने दें। ये सूख गया है दोस्तों। अब हम स्पंज पर सिल्वर कलर लगाकर अपने डिजाइंस को निकालेंगे। दो कोट करें सिल्वर कलर का। ठीक इसी तरह चौकी के पाये में भी कलर कर लें। इस तरह आपका डिज़ाइन निकल आएगा और फिर इसे सूखने दें। जब वो सूख जाए सिल्वर कलर, तब सेंटर में हम कोई भी ब्राइट कलर करेंगे। मैंने पिंक लिया है। आपको जो कलर पसंद हो वही करें। अब टाइल्स को पलट लें और अब हम पाए की पेस्टिंग करेंगे वॉल पुट्टी के गाढ़े घोल से। इस तरीके से आप वॉल पुट्टी का घोल लगा लें पाए में और उसे फिक्स करें। इसे कम से कम 3 घंटे के लिए सूखने दें। 3 घंटे हो गए हैं, अब पलट कर देख लेते हैं। दोस्तों, अगर पाए में अगर थोड़ा सा भी अनबैलेंस होता है तो आप पाए के नीचे
वॉल पुट्टी का डोर लगाकर उसे बैलेंस कर सकते हैं। दोस्तों ये लगभग तैयार है, लेकिन इसमें थोड़ी डिटेलिंग और करेंगे। दोस्तों स्टेशनरी की दुकान पे ये स्पार्कल्स आसानी से मिल जाते हैं, बीच बीच में जहाँ ज़रूरत हो वहाँ लगा लें। ये बिल्कुल तैयार है दोस्तों, आप इस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं या फिर इस तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हैं। आप इस पे कोई फ्लावर पॉट रख सकते हैं या फिर गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित कर सकते हैं। तो दोस्तों इस दिवाली आप इसे ज़रूर बनाएं और सभी को सरप्राइज़ करें। माँ लक्ष्मी और गणेश आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करेंगे। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में एक बेल आइकन है उसे दबा दें ताकि नया वीडियो आपको मिलता रहे। आप देख रहे थे मेरा चैनल क्राफ्ट पॉकेट।